हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुधाज वेज रेसिपीज। आज हम एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रहे हैं, वो भी तुरिया से या तरोई जिसे कहते हैं। ये सब्जी खास आमतौर पे सबको पसंद नहीं होती, पर ये इस तरह से बनाई गई सबको बहुत पसंद आएगी। और हम बना रहे हैं बेसन वाली भरवा तरोई, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत जल्दी बन जाती है। आइए देखते हैं इसकी विधि। भरवा तरोई बनाने के लिए हमने एकदम कच्ची इस तरह से टेंडर तरोई और फ्रेश तरोई लीजिए, जो बिल्कुल भी दबे नहीं और एकदम पतली हो, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मोटी तुरिया लेंगे तो उससे बाद में पानी छूटेगा और सब्जी आपकी ठीक नहीं बनेगी। तो ये कुछ दिखाने के लिए थी। यहाँ पे मैंने छील लिया है, तो अभी हम इतनी तरोई यूज़ करेंगे। इनके हम 2 इंच जितने बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे, 2-2 इंच के टुकड़े हम इनसे कर लेते हैं। तो हमने सब तरोई को काट लिया है। अब इसमें हम साइड में एक चीरा लगाएंगे इस तरह से, जिसमें बाद में हम मसाला भर सकें। ये चीरा 3-4 डेप्थ तक करना है, पर पीछे थोड़ा सा ध्यान से छोड़ना है ताकि ये टूटे नहीं। तो सबको हमने इस तरह से चीरा लगा के तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम अलग रख देते हैं। अब मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी बेसन। फिलिंग बनाने के लिए हम बेसन की और मसालों की फिलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम हल्का सा भून लेंगे। हल्की आंच में 2-3 मिनट के लिए इसे भून लो। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन या पिंक भुना हुआ नहीं चाहिए। हमारा बेसन भून गया, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसन में अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत ही हल्की सी हींग, 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 1/4 स्पून एकदम थोड़ा सा आमचूर। इन सबको हम पहले मिला लेंगे। हमने सूखे मसाले मिला लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच तेल डालेंगे हम, और अभी फिर से मिला लेंगे। हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम इसे फिलिंग कर देंगे। तो ये तुरिया हमारी, हर एक में हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग डाल देंगे और इसे एक किनारे रखते जाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है, थोड़ा ही फिलिंग भरना होता है। तो हमारी सारी तुरिया भरकर तैयार है और ये थोड़ी फिलिंग बच गई है, ये हम ऊपर से डालेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 मिर्ची भरकर साथ में डाल सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं। इस तरह से मिर्ची में भी साइड में चीरा लगाकर हम थोड़ा सा मसाला भर देंगे और इसको सब्जियों के साथ ही रख लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई को जिसमें बेसन भुना था उसको गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को कढ़ाई में थोड़ा इस तरह से घुमा लीजिए ताकि पूरी तल्ले में तेल आ जाए, और इसके लिए मोटे तल्ले वाली कढ़ाई लेना है। तेल गरम हो गया है तो हम यहाँ डालेंगे 1/2 चम्मच राई या सरसों के दाने, 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 स्पून या 2 बड़ी चुटकी हींग। इन्हें अच्छे से तड़कने देंगे। ढक्कन को ऐसे पकड़ लीजिए तो इससे राई के दाने इधर उधर नहीं बिखरेंगे और आपके चेहरे पर भी नहीं आएंगे। एक बार तड़का तैयार हो जाता है तो इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1/2 चुटकी। और अब हम इसमें एक एक करके ये तुरिया के टुकड़े रख देंगे। यदि हो सके तो इसमें जो कट साइड है उसे ऊपर रखिए, कटे हुए साइड को शुरू के लिए, बाद में इसे कैसे भी हिलाया जा सकता है। इस तरह से सारे टुकड़े हम यहाँ पे रख देंगे। और ये है मिर्ची, इसे भी हम इन्हीं के साथ रख देते हैं। अब एकदम हल्की गैस पे इन्हें 2 मिनट ढककर पकाना है और उसके बाद बिना ढक्कन के। 2 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी खुल सी जाएंगी, इसका मतलब ये आधी पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसे खुला रख कर पकाएंगे। अब हमको इसको हिलाना है, पर चम्मच से नहीं, पैन को ही थोड़ा इस तरह से हिलाइए तो सारी तुरिया के टुकड़े अपने आप हिल जाएंगे।
और फिर से इसको रखना है। अब हमें ढक्कन नहीं लगाना है क्योंकि यदि ये पानी छोड़ देगी तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। पैन हिलाने से बहुत से टुकड़े पलट जाएंगे, लेकिन अगर कुछ टुकड़े नहीं पलटे हैं तो बहुत सावधानी से एक छोटे चम्मच से उन्हें पलट दीजिए। ध्यान रहे कि वो टूटने ना पाए। तो सारे हमने टुकड़े पलट दिए हैं। अब इस पर यह बचा हुआ बेसन का मसाला हम छिड़क देंगे। याद रहे ये पिछले हिस्से पे छिड़कना है क्योंकि आगे की तरफ उसमें मसाला भरा हुआ है, तो ये पिछले हिस्से पे भी इस तरह से थोड़ा मसाला लग जाएगा। और हम फिर से सिर्फ एक मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से चिपक जाए पिछले हिस्से पे। आइए चेक कर लेते हैं। इसका पानी इसी में डालिए वापस, कहीं और नहीं डालना है उसे। अब हम इसको धीरे धीरे चम्मच की सहायता से हम देखेंगे कि ये नरम पड़ गए हैं टुकड़े। और बेसन हमने पहले से ही भुना हुआ है, बस हमारी सब्जी और एक मिनट में पकाने के बाद तैयार हो जाएगी। हम पलट रहे हैं हर एक को फिर से, और एक मिनट ढक के हम पकाएंगे और सब्जी तैयार। देखिए ये हर टुकड़ा नरम हो गया है, इसका मतलब हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और मिनटों में बनकर तैयार होने वाली सब्जी बेसन भरी तुरिया या स्टफ्ड स्पॉन्ज गार्ड की सब्जी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म फुलकों के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी। और इसके साथ यदि आप कढ़ी बनाते हैं या कोई भी दही बेस्ड सब्जी, तो आपके भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। कढ़ी का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा रहता है। मैं ऐसी ही और पारंपरिक सब्जियां लेकर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। बाय।